आम आदमी पार्टी से श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा उम्मीदवार नरेंद्र सिंह शेरगिल आज स्थानीय आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके उन्होंने पत्रकारों को बताया कि लोकसभा हलका श्री आनंदपुर साहिब में कुल पड़ते 1680 गांव में पार्टी द्वारा लगाई गई जिम्मेवारी को वह बड़ी तनदेही से निभाते हुए 80% काम पूरा कर चुके हैं। जब पत्रकारों ने टकसाली उम्मीदवार वीर दविंदर के बारे में पूछा तो इस बाबत शेरगिल ने कहा कि वो पार्टी का निर्णय है, बाकी पार्टी हाईकमान ने मुझे हल्के में काम करने के लिए कहा है और मैं काम कर रहा हूँ। देखो जी, जितने तक मेरी आपकी पार्टी का सवाल, आम आदमी पार्टी का, यह साड़ी सीट बड़ी तकड़ी सीट है साड़ी। इतने साडा जो वोटा का जन आधार है जो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तीन मौजूदा MLA साढ़े है, दो सीटा असी बहुत थोड़े मार्जिनल 500 तो लेकर 1000 वोट ना हरे थे। मैं भी मोहाली तो इलेक्शन लड़िया से, मैंने भी 40,000 वोट पई थी, क्योंकि यह सीट बड़ी सेफ सीट लगती है। जिन्हें भी दूसरिया रवायती पार्टियां छड के जिन्हें भी दूसरिया पार्टियां वो सारिया चाहदियां ने भी असी इस सीट तो इलेक्शन लड़िए, पर इतों तक असलीयत जो आप देखिए उन्होंने अखों परोखे नहीं कर सकते। इस सीट पर सिर्फ तो सिर्फ जो हक है तो साडा आम आदमी पार्टी का हक है, भावें किन्ने ही गठजुट हो, भावें होन या ना होन, इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र सिंह शेरगिल के काम देखते हुए, उसकी मेहनत देखते हुए, उसकी पार्टी प्रति वफादारी देखते हुए, सारे वलंटियर भी साढ़े जिन्हें भी उरे वलंटियर साहबान बैठे ने, साड़ी पंजाब के जिन्हें भी अहदेदार ने, 21 मैंबरी कोर कमेटी ने मेरे नाम से मोहर लाई है, तो इतों मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा भावें कोई समझौता होंगे। शेरगिल ने कहा कि जो पार्टियां ये कहती हैं कि ये श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा उन्हें धर्म की सीट है, उन्हें कहा कि राजनीति में हिंदू सिख या किसी भी धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो वोट मांगनी है वो विकास के नाम पर और लोगों की गई सेवा के नाम पर मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हल्का खरड़ से विधानसभा चुनाव में मुझे आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बनाना चाहती थी। अर्थ प्रकाश TV के लिए कुराली से गुरसेवक सिंह की रिपोर्ट।